السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

दीन के ख़िलाफ़ कोई काम हो तो उस पर नाराज़गी का इज़हार करना दीन के ख़िलाफ़ कोई काम देखें या सुने या हमारे सामने हो तो उस पर कैसे हमारा रिएक्शन होना चाहिए कैसे हम उसको सुधारें और हमारे ऊपर उसका क्या असर होना चाहिए आयत जो इमाम नबी वो ये है कि वमई वज़म होरमातल जो अल्लाह की महतरम ठहराई हुई चीज़ों की तज़ीम करेगा फ़ह व तो उसके लिए बेहतर है उसके रब के पास तो मालूम हुआ कि जो शरीयत की अच्छी चीज़ें हैं अच्छे हकाम हैं उनको बजा लाना जिस तरह वाब का काम है अल्लाह की निगाह में बेहतर है तो जो लोग शरीयत के खिलाफ हैं जो काम शरीयत के खिलाफ हैं उससे बचना और दूसरों के बचाना भी नेकी का काम है आइए एक पहली हदीस है जो अबी मसूद अकबा बिन अमर रज़ी अल्लाह तु से रिवायत है ये बदरी साहबी है बदर में हाज़िर हुए थे और आपको मालूम है कि बदरी सहाबा का मकाम खलफा राशिदीन या जिन लोगों को जन्नत की खुशखबरी दी गई थी अशर मुबरा उनके बाद इनका मकाम आता है तो कहते हैं कि मैं एक आदमी अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ जहाजनबी सल्हल फ़ाल और उसने कहा मैं सुबह की नमाज़ में पीछे रह जाता हूँ लंबी नमाज की वजह से तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौर ये सुनने के बाद गज़बनाक हुए और आपने अपने गु़स्से का इजहार फरमाया और कहा या अयुअन्नास ए लोगो इनमिन कुम व नफ़रीन तुम में से बहुत से लोग नफरत दिलाने वाले हैं फय्यु कुम अमनास फ़लो अजिज़ फ़ इनमकबीर वग़ी वज़ा रवा मुतफ़न आलई क्योंकि तुम में से तुम्हारे पीछे बूढ़े भी हैं बच्चे भी हैं ज़रूरतमंद लोग भी हैं मतलब ये हुआ कि नमाज न ना ज़्यादा लंबी होनी चाहिए और न बिल्कुल मुख्तसर। क्योंकि ये साहब जैसा कि एक दूसरी हदीस में दूसरी जगह है कि एक सहाब थे आप सल्लम के पीछे नमाज़ पढ़ते और फिर जाके अपने कबीले में इमामत कराते थे ईशा की नमाज़ ख़ास कर सल्लम ख़ुद लेट पढ़ते थे हुकुम वही था इसलिए कि मदीने के सहाबा थे काम काज वाले थे खेती में खजूरों के बाग़ में काम करते आते तो अपनी ज़रूरत से फारग होते फिर खाना वाना खा के ये सारी चीज़ें थी तो वो साहब आपके पीछे नमाज़ पढ़ते ये ख़ुद लेट फिर उसके बाद अपने कबीले जाकर फिर वहाँ जमात से लंबी नमाज पढ़ाते थे आप सब ने उनसे कहा था कि ऐसा ना करो तो मालूम हुआ कि नमाज भी ज़रूरत वक्त के लिहाज से मुख्तर और बड़ी हो सकती है खासकर बच्चे बूढ़े ज़रूरतमंद लोग हों तो हमें इसका ख्याल रखना चाहिए लेकिन जब अगर किसी कोई चीज़ नहीं है तो आदमी आराम से नमाज पढ़े हाँ हल्की का मतलब ये भी नहीं है जैसा कि बाद हदीसों में आया है कि आदमी रुकू सजदा ढही ढंग से ना करे बल्कि कैरात में तखफीफ़ कर ले क्योंकि कुरान के बारे में कहा गया है फ़रऊ मातरा मिलो जितना आसानी हो उतना पढ़ो तो रुकू और सजूद ये नमाज की जान है लोग रुको सजदा बहुत जल्दी करते हैं ये गलत है ये तो बाज़ हदीसों में इसकी सख्त ममानियत आई है बल्कि आप सल्लम ने एक बार फरमाया कि सबसे बड़ा चोर वो है जो नमाज में चोरी करता है सहाबा के अल्लाह के रसूल वसल्लम नमाज में कैसे चोरी होगी आपने फरमाया रुको सजदा का सही तरीक़े से अदा न करना बाज़ लोग ऐसे करते हैं सजदा जैसे कौवे ठोंग मारता हो तो इसको कहा गया नमाज में चोरी और एक सहाबी थे एक बार आए नमाज़ पढ़े जल्दी जल्दी उन्होंने नमाज पढ़ी और जाने लगे तो आप ने उनको बुलाया और कहा इर्ज फसल फ़ैन क़लम तो वसली लौट जाओ फिर नमाज़ पढ़ो तुमने नमाज नहीं पढ़ी फिर नमाज़ पढ़े फिर वापस आए फिर आपने वही कहा लौट जाओ तुमने नमाज़ नहीं पढ़ी जाओ फिर नमाज़ पढ़ो जब तीसरी बार हुई तो अब उन्होंने खुद कहा अल्लाह के रसूल सल्लम मेरे तो देख ही रहे आप कि मैं नमाज़ पढ़ के आ रहा हूँ आखिर क्या कमी आप बताइए तब आप उनको कहा कि रुको में जाओ तो इतमान से रहो रुको से उठो तो इतमान से खड़े हो सजदे में जाओ तो इतमान से रहो कम से कम तीन बार तस्बी और वो तस्बी भी ठहर ठहर कर पढ़ो फिर उसके बाद रुको दो सजदे के दरमियान थोड़ी देर बैठो फिर उसके बाद सज तो ये चीज बहुत जरूरी है तो मालूम हुआ कि ज़्यादा लंबी भी नहीं और बिल्कुल ऐसी भी नहीं कि जैसा कि कौवे की ठोंग की तरह आइए इसमें एक दूसरी हदीस है जिसके रावी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह तमीन हैं क़ालत कहती हैं कदीम रसूल सल्हमिन

के सामने चबूतरे पर एक पर्दा डाला हुआ था जिसमें ज़ीरूह की तस्वीरें थी यानी ऐसी चीज़ों की जिसमें जान होती हैं ऐसी चीज़ों की तस्वीरें थी आप ने उसे देखा तो आपने उन तस्वीरों को बिगाड़ दिया और आपका चेहरा ग़ुस्से से बदल गया और फरमाया आयशा क़्यामत वाले दिन अल्लाह के यहाँ सबसे ज़्यादा आज़ाब वाले वो लोग होंगे जो अल्लाह की पैदाइश यानी उसकी सिफत में मुशाबहत इख्तियार करते यानी जानवरों की तस्वीर छोड़ाना इंसानों की तस्वीर छोड़ाना जिसे स्केच करना हो या छुड़ाना हो या पेंट करना हो हाथ से या ये सब ये चीज़ें किसी इस्तेमाल करने वाली चीज़ पर रख कर और घरों में लटका के रखना या घरों में इस्तेमाल करना ये मना है तो आपने शरीयत के ख़िलाफ़ पहली हदीस में देखा कि उसने शरीयत के ख़िलाफ़ नमाज पढ़ाई तो आपने उनको रोका इस हदीस में शरीयत के ख़िलाफ़ ये चीज़ थी तो आपने रोका तो मालूम हुआ कि शरीयत के ख़िलाफ़ कोई चीज़ हो तो आदमी को उसे रोकना चाहिए और एक हदीस हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह से ही सुन लीजिए और लंबी हदीस है आखिरी का हिस्सा पेश करता हूँ वो ये कि मदीने में एक बड़े ख़ानदान की औरत ने चोरी कर लिया अब जब चोरी पकड़ी गई तो लोगों को बड़ा अफ़सोस हुआ कि इतना बड़ा ख़ानदान है इतना अच्छा ख़ानदान है जो मखजूम ख़ानदान की औरत थी तो पुराने ज़माने में था कि जो बड़े लोग ग़लती करते तो उसको छुपा दिया जाता छोटे करते तो सज़ा दी जाती अभी अभी इस्लाम का शुरू दौर था लोग समझे कि इस्लाम में भी वैसा ही होगा तो लोगों ने एक आदमी को तैयार किया कि जाएं और आप के पास सिफारिश करें ताकि इनको छोड़ दिया जाए ताकि नाम खराब ना हो खानदान का नाम ख़राब हो जाए आखिर में लोगों ने सोचा कि कौन ज़्यादा मुनासिब रहेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ी सिफारिश थी तो लोगों ने कहा हजरत ओसामा को इसके लिए तैयार किया जाए क्योंकि ये आप के बड़े चहीते इनके वालिद मोह बोले बेटे की तरह थे हालांकि शरीयत में वैसा नहीं है लोग वैसा समझते थे लिहाजा वो तैयार हो गए और गए अल्लाह के रसूल के पास और उन्होंने सिफारिश की फ़ाल रसूल सल्ला वसलम तो आप ने कहा हदो दिल्ला तला अयोसामा क्या तुम एक ऐसी चीज़ के बारे में सिफ़ारिश करो जो अल्लाह के हदों में से एक हद है यानी अल्लाह के क़ानून में से एक क़ानून है उसको तोड़ने के लिए तुम सिफारिश कर रहे हो फिर आप नाराज़ हुए और खड़े हो गए फखतबा फिर आपने खुतबा दिया सारे लोगों को जमा किया

कि जब उनमें से कोई शरीफ घराने का इंसान चोरी करता या ग़लती करता तो उसको माफ़ कर दिया जाता और अगर कोई कमज़ोर ये हरकत करता तो उसके ऊपर क़ानून नाफिज किया जाता वयल्ला कसम अल्लाह की आप कसम खाते हैं कसम अल्लाह है की लौमत بنت तहम्मदिन सरअत लाखा तो यदा। तुम तो किसी और के लिए कर रहे हो अगर मेरी बेटी फ़ातिमा से भी ये काम हो जाए तो मैं उसके भी हाथ काट दूँगा तो इसमें भी यही मालूम हुआ कि शरीयत के ख़िलाफ़ छोटा बड़ा अमीर गरीब मालदार फकीर, मोहताज पढ़ा लिखा जाहिल ये कुछ नहीं देखा जाएगा हाकिम हो आवाम हो सब के लिए एक क़ानून होना चाहिए सब के लिए एक असूल होना चाहिए तो इसमें भी चूंकि शरीयत के खिलाफ था तो आप उसको देख कर नाराज हुए और आपने उसकी असलाह फरमाई एक और हदीस है जो हजरत अनस रजी अल्लाह उसके रावी बड़ा अहम मसला है इसके अंदर भी क्योंकि इसमें एक वाक़ है और यह उस वक्त का है कि इसको थोड़ा समझना पड़ेगा शुरू में जो मस्जिद नबी बनी थी और आप ससम के ज़माने मस्जिद नबी थी उसमें दीवारों तो थी नहीं छत पत्ते का था कुछ पिलर लकड़ियों के थे ऊपर खजूर के पत्तों का छत था और नीचे ज़मीन बालू थी तो नमाज में किसी को थूक खारा बलगम कुछ भी आता था तो वो लोग जिधर चाहे उधर फेंक देते सामने इधर उधर क्योंकि मिट्टी है और मिट्टी में दब जाता था वो आज की मस्जिदों में तो हम ऐसा नहीं कर सकते अलबतः आज की मस्जिदों का मामूल ये होगा कि उसमें कोई गंदगी कोई ख़राबी कोई कागज़ कोई ऐसी चीज़ आ जाए तो उसका पाक करना बहुत बड़ा सवाब है तो ऐसा ही एक वाकया हुआ कि किसी साहब ने मस्जिद में ऐसा कर दिया यानी थूक दिया आप ने जब उसको देखा तो आपको बहुत नागवार गुजरा बहुत बुरा लगा उसके बाद आपने कहा कि देखो आइंदा से ऐसा मत करो बल्कि आप खुद गए और जो दीवार थी उसके ऊपर जो ये था तो आपने उसको साफ किया और उसके बाद कहा कि आइंदा से तुम ऐसा ना करो अगर तुमको ऐसा आ भी जाए तो तुम उसे किसी कपड़े में जैसे दस्ती है करचीफ है या नैपकिन पेपर है ऐसी चीज़ों में उसको साफ़ करो मस्जिद को ऐसी चीज़ों से गंदा ना करो तो मालूम यह हुआ कि इस हदीस से एक तो मस्जिद की पाकी सफाई का ख्याल बताया जा रहा है दूसरा ये कि आपने एक छोटी सी चीज़ भी देखी तो आपने उससे मना किया आपने उससे रोका तो मालूम यह हुआ कि शरीयत में जो भी चीज़ शरीयत के ख़िलाफ़ होगी हमें उसे रोकना है अब यहाँ पर एक चीज़ पेश कराऊँ जो इस किताब में तो नहीं है साल में लेकिन कैसे पेश करेंगे कैसे रोकेंगे पहले वह हदीस गुजर चुकी है कि हम जब किसी के अंदर ख़राबी देखेंगे तो कैसे रोकेंगे उसका तरीक़ा क्या होना चाहिए यही बड़ी अहम चीज़ है हदीस के मन रहा अमिन को मुनकर फ़लीबियती जब किसी को कोई ख़राबी देखे तो पहले हाथ से उसको रोके बुलाए समझाए कहे कि भाई यह गलत है यह अच्छा नहीं है हम मुसलमान हैं हमें इन चीज़ों से रुकना चाहिए हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए फिल्म यस्तती और अगर इससे भी नहीं होगा फबील ईसानी तो ज़बान से उसको समझाए और वो भी नहीं कर सकता है तो कम से कम इन बुराइयों को अपने दिल में बुरा जानना चाहिए अगर हम उसे बुरा भी ना जानेंगे तो गोया हमारा भी ईमानी जज्बा खत्म हो चुका है तो बुराई को कम से कम बुराई जानना चाहिए वरना ईमान खतरे में। वो भी कहा गया उस हदीस में वह कजादुल ईमान ये आखिरी वाला ईमान की कमजोरी की अलामत है मतलब युवा कि ईमान की मजबूती उन दो पहले चीज़ों में है कि हाथ से रोके या जबान से रोके यानी ताकत और क़ोत इस्तेमाल करे या हिकमत सलाहियत इन सब चीज़ों से रोके बाहर कैफ जो भी बुराई है गलती है खा वो छोटी हो या बड़ी हो अखलाक के साथ अदब के साथ रोकना चाहिए अब अदब के साथ कैसे तो एक वाक़ सुनिए मान लिया मैं उम्र में छोटा हूँ और बड़े लोग गलती कर रहे हैं तो हम जाकर ऐसा ही नहीं कहेंगे कि क्या तुम्हें इतनी बड़े हो गए अकल नहीं समाज ये सब नहीं होना चाहिए इस्लाम का वसूल नहीं है कैसे उसको रोकना चाहिए देखिए हसन और हुसैन रजाला तौन के बारे में आया है कि उन्होंने देखा एक साहब जिनकी उम्र ज़्यादा थी लेकिन वजू सही तरीक़े से नहीं कर रहे थे अब इन्होंने सोचा कि उम्र में बड़े हैं हम इनको जाकर कहें कि आपकी वज़ु गलत है आपका तरीक़ा सही नहीं है तो हो सकता है कि बुरा मान जाए कि छोटे बच्चे हमको आमतौर पर ऐसा ही होता है कि तू जाके मुझे सिखा रहा है इतना छोटा बता तुझे क्या ये वो ऐसी बातें आमतौर पर ज़माना सब एक ही हर दौर एक ही होता है हर जगह इंसान की सोच एक ही होती है बहुत कम लोग होते हैं जो छोटा बड़ा नहीं देखते हैं और सही बात है तो मान लेते हैं लिहाजा इन दोनों भाइयों ने एक मशवरा किया कहा कि चलो हम दोनों बूढ़े मियाँ से कहेंगे कि देखिए हम दोनों को वजू का तरीक़ा नहीं आता है थोड़ा हम वजू कर रहे हैं हमसे गलती हुई तो आप बता दीजिए दोनों भाई वजू करने लगे उनके सामने उन्होंने देखा कि दोनों एक ही तरीके से वजू कर रहे हैं दोनों का तरीक़ा जो है एक ही है तब वो आदमी समझदार थे फौरन समझ गए कि ओहो मैं जो वजू किया उसमें इन दोनों के वजू के अलावा है और ये दोनों नवासे रसूल हैं लिहाज़ा इनको सही मालूम होगा उन्होंने कहा तुम लोगों का शुक्रिया तुम लोगों का तुम लोग जो मेरे पास आए जिस मकसद के लिए मैं समझ गया और उन्होंने अपने आप को दुरुस्त कर लिया तो ये भी एक तरीक़ा है समझाने का बुझाने का जहाँ जैसा माहौल हो जैसा तरीक़ा हो जैसा आदमी हो उनको वैसा लेकिन जो भी शरीयत के ख़िलाफ़ काम है हमें उसको समझाना है रोकना है मना करना है नहीं मानने पर उसको देख कर इंसान के अंदर नफ़रत भी पैदा होनी चाहिए और अगर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उस मजलिस में या उस जगह में अपने इन बातों से नफ़रत का इजहार करना चाहिए या जो लोग कर रहे हैं उनको जताना चाहिए कि आपके इस गलत काम की वजह से मैं आपसे नाराज़ हूँ नहीं तो फिर ये ईमान की दलील नहीं समझाने बुझाने के बावजूद भी नहीं होते हैं तो हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए तो ये चंद बातें इस बाब में थी कि शरीयत के असूल ये हैं कि जहां हम एक तरफ नेकी कर रहे हैं तो दूसरी तरफ गुनाह से भी बचें शरीयत के ख़िलाफ़ काम से भी बचें और शरीयत के ख़िलाफ़ काम हो तो उसको रोकें उसको समझाएँ उसकी इसलाह करें और असलाह नहीं हो सकता है तो कम से कम उसको बुरा जानें उसको बुरा समझें और ऐसी सहबत और ऐसी चीज़ों से दूर रहें अल्लाह वाली मुझे आपको सब को कहने वाले सुनने वाले सब को भी ख़ास कर इस दौर में जबकि बुराइयाँ ज़्यादा आम हो रही हैं तो हमत के साथ समझदारी के साथ काम लें और अपने ईमान की हिफाज़त करने की कोशिश करें अल्लाह हम सब के ईमान की हिफाज़त फ़रमाएँ आमीन वसल नबी